रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक कथा ब्रह्म पुराण से। यह एक बोध कथा और जिसका सार है, शास्त्रीय मर्यादा के उल्लंघन से प्राप्त वस्तु कभी सुखद नहीं होती। अर्थात अपनी मर्यादा लांघ कर यदि कोई वस्तु प्राप्त की जाए, कोई इच्छा पूर्ति की जाए, तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तो एक समय की बात है, गौतमी नदी के उत्तर तट पर आत्रेय नाम के ऋषि निवास करते थे। उन्होंने अनेक ऋत्विज मुनियों के साथ सत्र आरंभ किया। उसमें हव्य वाहन अग्नि ही हुआ करते थे। सत्र पूरा होने पर महर्षि ने महेश्वरी इष्टि का अनुष्ठान किया। इससे अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य तथा सर्वत्र आने जाने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। तो एक समय वे इंद्रलोक में गए और वहाँ उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इंद्रदेव को देखा, जो अप्सराओं का उत्तम नृत्य देख रहे थे। सिद्ध और साध्य गण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे ये सब देखकर पुनः अपने आश्रम लौट आए और अपनी पत्नी से कहा, देवी, अब मैं उत्तम से उत्तम फल मूल भी, चाहे वे कितने ही अच्छे ढंग से क्यों न बने हों, नहीं खा सकता। मुझे तो स्वर्गलोक के अमृत, परम पवित्र भक्ष्य भोजन, श्रेष्ठ आसन, स्तुति, दान, सुंदर सभा, अस्त्र शस्त्र, मनोहर वस्त्र, अमरावती पुरी और नंदनवन की ही याद सताती है। यूं कहकर महात्मा आत्रेय ने तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा जी को बुलाया और इस प्रकार कहा, महात्मन, मैं इंद्र का पद चाहता हूँ। आप शीघ्र ही यहाँ इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए। इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुंह से निकाली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म कर डालूंगा। आत्रेय ऋषि के यूं कहने पर प्रजापति विश्वकर्मा ने तत्काल ही वहाँ मेरु पर्वत, देवपुरी, कल्पवृक्ष, कल्पलता, कामधेनु, वज्र आदि मणियों से विभूषित सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी के हुए ग्रह बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वांग सुंदरी इंद्रदेव की पत्नी शची जैसी एक स्त्री भी बनाई। क्षण भर में सुधर्मा सभा, मनोहारिणी अप्सराएं, उच्चेश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, वज्र आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माण हो गया। अपनी पत्नी के मना करने पर भी आत्रेय ने शची के समान रूप वाली उस स्त्री को अपनी भार्या अर्थात पत्नी बना लिया। वज्र आदि अस्त्रों को भी धारण किया। नृत्य और संगीत आदि सब कुछ वहाँ उसी तरह से होने लगा जिस प्रकार उन्होंने इंद्रपुरी में देखा था उसे सब। स्वर्गलोक का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर आत्रेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। उधर दैत्यों और दानवों ने जब स्वर्ग का वैभव पृथ्वी पर उतरा हुआ सुना, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे परस्पर कहने लगे, क्या कारण है कि इंद्र स्वर्गलोक को छोड़कर पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए आया है? हम लोग अभी वृत्तासुर का वध करने वाले उस इंद्र से युद्ध करने के लिए चले। ऐसा निश्चय करके असुरों ने वहां आकर महर्षि आत्रेय के द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया। इससे भयभीत होकर आत्रेय जी ने कहा, मैं इंद्र नहीं हूँ, मेरी है भार्या भी शची नहीं है, और ना ही ये इंद्रपुरी है, ना ही यहाँ इंद्र का नंदनवन है। इंद्र तो स्वर्ग में ही है, मैं तो वेद वेत्ता ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों के साथ ही गौतमी नदी के तट पर निवास करता हूँ। दुर्दैव की प्रेरणा से मैंने यह कर्म कर डाला, जो ना तो वर्तमान काल में सुख देने वाला है और ना ही भविष्य में। तो अब वो पछता रहे थे अपने ही इच्छा पूर्ति होने पर। असुर बोले, मुनि श्रेष्ठ आत्रेय, यह इंद्र का अनुकरण छोड़कर यहाँ का सारा व्यवहार समेट लो, तभी तुम कुशलता से यहाँ पर रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तब आत्रेय ऋषि ने कहा, मैं अग्नि की शपथ खाकर सच सच कहता हूँ, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। दैत्यों से यूं कहकर वे पुनः विश्वकर्मा जी से बोले, प्रजापते, आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्रपद का निर्माण किया था, इसको फिर से खत्म कर दीजिए और ऐसा कर मुझ ब्राह्मण मुनि की शीघ्र रक्षा कीजिए। मुझे फिर से अपना वही आश्रम लौटा दीजिए जहाँ मृग, पक्षी, वृक्ष और जल हैं। मुझे इन दिव्य भोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे
इस बात का ज्ञान हो गया है कि शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती है। बहुत अच्छा कहकर प्रजापति जी ने उस इंद्रपुरी के वैभव को समेट लिया। आत्रेय जी भी गौतमी तटी पर रहते हुए पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हिरसा हिरसी जो हम करते हैं, दूसरे को देखकर जो जेलस फील करते हैं, और इच्छाएं, अनंत इच्छाएं और एक्स्ट्रा इच्छाएं हम अपनी पालने लग जाते हैं, वो हमारे लिए घातक ही सिद्ध होती हैं तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि जो हमें दिया है ईश्वर ने, उसी को हम ईश्वर का प्रसाद समझकर शांतिपूर्वक खुशी खुशी भोगें और अपने जीवन को, अपने कर्तव्यों को पूरा करें। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। जय श्री राम। रेडियो हिंदुस्तान।